वहीं खबर अब भिंड से मिल रही है, जहां पूर्व मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह उपवास पर बैठे हैं। गांधी मार्केट में उपवास पर बैठे हैं गोविंद सिंह। क्षेत्र में अवैध उत्खनन रोकने की मांग कर रहे हैं। कई समर्थक भी इस दौरान उपवास पर बैठे हैं। अवैध उत्खनन के खिलाफ गोविंद सिंह का एक दिवसीय उपवास। तस्वीरें देखिए, पूर्व मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह उपवास पर बैठे हैं और गांधी मार्केट में ये उपवास पर बैठे हैं गोविंद सिंह। समर्थक भी मौजूद हैं। अवैध उत्खनन के खिलाफ गोविंद सिंह का ये एक दिवसीय उपवास है। तो क्षेत्र में अवैध उत्खनन को रोकने की यहाँ पे मांग की जा रही है और गोविंद सिंह समेत कई समर्थक हैं जो उपवास पर बैठे हैं। एक दिवसीय ये उपवास है जिसमें क्षेत्र में अवैध उत्खनन को रोकने की मांग की जा रही है। ज्यादा अपडेट के लिए संवाददाता सौरभ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सौरभ, हम तस्वीरों में देख सकते हैं कि पूर्व मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह और कई समर्थक हैं जो उपवास पर बैठे हैं, इनका क्या कुछ कहना है? ये देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि पूर्व मंत्री गोविंद सिंह ने अपने सरकार में भी बोला था कि मैं रेत के अवैध उत्खनन होने में नाकाम है, मैं नाकाम हूँ यहाँ रोकने के लिए। उसके चलते उन्होंने पहले ही अल्टीमेटम दे दिया था, अगर भिंड प्रशासन और पुलिस इसको रोकने में नाकाम होती है तो मैं उपवास पर बैठूंगा 15 अगस्त के दिन। तो सुबह 10 बजे से 4 बजे तक का उनका टाइम था, उपवास पर बैठ गए। कई कार्यकर्ताओं के साथ उपवास पर बैठे, उनका कहना है कि नदी बचाओ आंदोलन के तहत बीजेपी सरकार जगाने की कोशिश कर रहा है और आज एक दिवसीय उपवास पर है। अगर सरकार नहीं जाती तो मैं इसके लिए और बड़ा आंदोलन यहाँ पर करूंगा यहाँ पर जी। लेकिन इस दौरान सौरभ, हम देख रहे हैं तस्वीरों में कि कई समर्थक भी मौजूद है। ऐसे में कईयों के मास्क भी यहाँ पे नहीं पहने हैं। बड़ा सवाल है, कोरोना का भी वक्त है, लेकिन धरना प्रदर्शन अपनी जगह है, लेकिन इन सब चीजों का भी यहाँ पे ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल सही बात आपने बताया कि यहाँ बिल्कुल सोशल डिस्टेंस की बात करें तो सोशल डिस्टेंस की यहाँ धज्जियां उड़ती नजर आ रही हैं और कई कार्यकर्ता ऐसे जो बिना मास्क के भी हैं, बिल्कुल एक दूसरे से सटे भी हुए, तो यहाँ सोशल डिस्टेंस का भी अब पालन नहीं हो रहा है। लेकिन एक बात अलग है कि आंदोलन और सब जगह अपनी अपनी जगह अलग है, लेकिन सोशल डिस्टेंस का पालन होना चाहिए कोरोना जैसी महामारी को देखते हुए। यहाँ पर जी बिल्कुल, परिस्थितियां बदल चुकी हैं और ये समझना इन जनप्रतिनिधियों को ही पड़ेगा कि ये क्या फिर मैसेज जनता को यहाँ पे दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।